my dream come true, guys. Dream come true. Welcome to Punjab. पंजाब आओ और ये ना मिले ऐसा हो सकता है क्या? Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So my aim is to go Golden Temple मेरे बर्थडे के दिन. So guys, मैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे हूँ और मेरा भी चेक इन हो गया. अभी मैं जा रही हूँ सिक्योरिटी चेक में. सो या लेट्स गो. हमेशा बोर्डिंग मेरा ऊपर से होता है, आज पहली बार ऐसे नीचे से हो रहा है. यू फाइनली गोइंग टू माई ट्रिप. सुपर एक्साइटेड. सो गाइस, दिस इज माई OOTD फॉर दी एयरपोर्ट. तो नॉर्मल सी टॉप पहनी है मैंने, टी शर्ट एंड नीचे ट्रैक पैंट डाली थी जो मेरी फेवरेट है आजकल. एंड दिस इज दी सनराइज व्यू फ्रॉम दी लॉन्च ऑफ एयरपोर्ट फ्रॉम मुंबई एयरपोर्ट बेसिकली. तो अच्छा सा सनराइज दिख रहा था. सो दिस इज द फाइनल कॉल फॉर अमृतसर. एंड यहाँ मेरी टिकट दे रही हूँ चेक इन करने के लिए. गाइस, वहाँ से एंट्री था और हमारा फ्लाइट यहाँ पे खड़ा है. इसके लिए ये बस में लेकर आए जब बेसिकली दिस इज द इंटीरियर ऑफ अमृतसर एयरपोर्ट. बड़ा अच्छा दिख रहा था एंड हर कोई यहाँ पे रील और वीडियोस बना रहा था. पता नहीं इतना अच्छा क्या लगा बट हाँ, बड़ा क्यूट लग रहा था. पर I am at Amritsar Airport and that is one of my dream to come here. Like ये मेरे bucket list में था and birthday पे आना is one of the best I would say. So yeah. So I'm waiting for my parents to come because मेरी अलग flight थी, वो लोग की अलग flight थी, मतलब अलग airlines basically. So मेरे को domestic से आना पड़ा, वो लोग को international, Mumbai international airport से. So I'm waiting for my parents to come. फिर देन मैं देखती हूँ क्या टाइम पास करती हूँ या फिर मैं मेरा ये ब्लॉग ही एडिट कर दूँगी. सो इट्स माई ड्रीम कम ट्रू गाइस, ड्रीम कम ट्रू. लाइक एवरी डे मेरे को इंस्टाग्राम पे लाइक गुरुद्वारे के रील्स हमेशा दिखते थे. मैं अभी दिखाऊंगी कैसे दिखते थे मेरे को हम. लाइक गाइस, मेरा सर्च फीड सिर्फ गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल से ही भरा पड़ा रहता था एंड इट वॉज अ मैनिफेस्टिंग फॉर मी कि मैं वो देख देख के आज फाइनली इधर आ गई हूँ. तो डे वन लेट्स सी कि आज मैं क्या करती हूँ. सो बेसिकली आज कुछ इतना खास नहीं है, थोड़ा रेस्ट है बिकॉज हम लोग आज लेट आए इधर. सो या 2 hours later. सो गाइस, फाइनली मेरे पेरेंट्स आ गए और अब मैं बाहर जा रही हूँ. सो लेट्स गो. सुपर एक्साइटेड. लेट्स गो. वेलकम टू पंजाब. पंजाब आओ और ये ना मिले ऐसा हो सकता है क्या? लेट्स गो. हाय गाइस, वेलकम बैक. सो आफ्टर कमिंग फ्रॉम एयरपोर्ट मैं होटल में जाके तुरंत सो गई थी बिकॉज मेरा बहुत हेडेक हो गया था एंड ऑल्सो मेरे को थोड़ा थोड़ा फीवरिश भी लग रहा था. सो आई हैड मेडिसिन एंड आई वेंट टू स्लीप. मैं चल रही हूँ जलियांवाला बाग. सो यहाँ की सड़कें हैं मेरे पीछे जो कि मैं जा रही हूँ जलियांवाला बाग. मेरे मैं जहाँ पे स्टे कर रही हूँ वहाँ से सिर्फ 2 मिनट की वॉक है. सो अभी चलते हैं. पीछे इज द गोल्डन टेम्पल. मैं इधर रात को जाऊंगी इसका नाइट व्यू देखने. बट गाइस भीड़ देखो यहाँ पे यार, और यहाँ से लाइन से खाने का सब चीज है यार. सो माय फर्स्ट स्टॉप इज हियर जलियांवाला बाग. सो गाइस यहाँ पे कंटिन्यूस भीड़ आ रही है. वीडियो तो बनाना ही पड़ेगा. 2 मिनट रुकी थी ताकि वीडियो बना पाऊँ बट कोई नहीं.
था। अच्छा इधर भीड़ बहुत आ रही है, सो एंट्री है। एंड यहाँ पे बहुत ही भीड़ है, लाइक लिटरली बहुत ही भीड़ है। लाइक इतनी भीड़ मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, एक्सपेक्ट की थी थोड़ी भीड़, बट कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। सो अभी पूरा एक्सप्लोर करेंगे। एंड इन लोग का एक ही वॉल लोग ने बुलेट्स वाला प्रिजर्व करके रखा है, तो वो भी देखेंगे। एंड मैं पूरा आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली बहुत ही बड़ा है ये जलियाँ वाला बाग। एंड ऑल्सो गाइस यहाँ पे संडे तो बहुत ही भीड़ है, लाइक इतनी भीड़। पीछे मेरी मॉम आ रही है। हाय मम्मी। हाय। People were at Harmandir Sahib praying and commemorating the Khalsa Day. So basically, they're बता रहे कि कैसे जलियांवाला बाग एंड सिकेसम पंजाब का बड़ा अच्छा गाइस यहाँ पे सब हिस्ट्री का सब चीज लगा है। इफ यू वांट टू स्टैंड एंड रीड, अगर उधर नहीं सुनना तो आप इधर पढ़ सकते हो बेसिकली। सो गाइस चलते अभी जहाँ पे बुलेट प्रिजर्व करके रखा है जलियांवाला बाग में, दैट इज द मेन अट्रैक्शन आई वुड से। सो लेट्स गो, मेरे सामने ही है, अभी दिखाती हूँ मैं फ्लिप करके। सो यहाँ पे बुलेट मार्क्स है, बेसिकली कितने बुलेट्स लगे थे वो है। सो गाइस ये जो स्क्वायर के वर बॉक्स, उसके अंदर जो निशाने हैं वो सब फायर और बुलेट के निशाने हैं। सो दिस इज द फेमस वॉल आई वुड से इन जलियांवाला बाग। And this is the wall, पूरा वो एंड तक बुलेट मार्क्स है, जो स्क्वायर किया हुआ है दैट इज बुलेट मार्क्स। A few moments later. So guys, मैं आ गई गुरुदास राम की जलेबी वाला जो गोल्डन टेम्पल के बाहर है। मैंने अभी लिया है तो अभी इसका टेस्ट टेस्ट देती हूँ। बहुत ही गर्म एंड यम दिख रहा है। गरम गरम जलेबी खाना तो यम। हाय गाइस, पढ़ते मेरे दूसरे लोकेशन के हो, दैट इज जियान द लस्सी, द फेमस द लस्सी की यहाँ। तो चलो चलते हैं, देखते हैं कि कैसे बनाते हैं वो लस्सी बेसिकली, एंड इट इज़ वर्थ हैविंग और नॉट। सो बेसिकली वो फेमस है पेड़े वाली लस्सी के लिए। सो लेट्स गो एंड हैव द आका पेड़े वाली लस्सी। सो गाइस मैं अभी ट्राई करूँगी जियान द लस्सी, जिसमें बहुत ही मज़ा है, मावा एंड सब चीज़ डाला है। सो लेट्स ट्राई आउट। A few inches later. So guys, after lassi हम गए थे थोड़ा शॉपिंग करने, और अब आई हूँ मैं केसरता ढाबा, फेमस है एंड इट्स वन ऑफ द पॉपुलर ढाबा। एंड मैं जब यहाँ पे फिल्म कर रही थी तो हर कोई मुझे देख रहा था, तो मैंने वॉइस ओवर दे रही हूँ। एंड अभी मैंने ऑर्डर किया था लच्छेदार पराठा विद दाल मखनी, और ये लोग ऑनियन के साथ सर्व करते हैं। लुक्स में तो बहुत ही यम्मी दिख रहा था, बट दाल का टेस्ट थोड़ा ओकेश था, इतना अच्छा नहीं लगा मुझे। सो गाइस मैंने अभी थोड़े टाइम पहले केसरता ढाबा में डिनर करके आई हूँ, एंड मैंने रूम में आके रेस्ट किया बिकॉज यहाँ पे आके मुझे फीवर हो गया था एंड मुझे थोड़ी वीकनेस भी लग रही है, तो मैंने अभी रेस्ट किया। अभी मैं जा रही हूँ गोल्डन टेम्पल, फाइनली टू सी गोल्डन टेम्पल, जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। सो या इसका व्लॉग मैं कल डालूंगी। अभी मैं एंटर कर रही हूँ लंगर हॉल के गेट से, जो मेरे होटल के बहुत ही करीब था, तो यहाँ पे सब माथा टेक रहे थे एंट्रेंस पे। एंड
देयर इट इज द गोल्डन टेम्पल, वो थोड़ा बहुत झलक दिख रहा है एंड भीड़ संडे के दिन बहुत ही होती है। गाइस जैसा आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, मैं गोल्डन टेम्पल में एंड सामने मेरे एग्जैक्ट सामने गोल्डन टेम्पल है। देखिए सच में मैं रो पड़ूंगी, इतना मेमोराइजिंग, इतना ब्यूटीफुल है, आंसू आ रहे मेरे आँखों से, इतना ब्यूटीफुल है। इट्स लाइक माई ड्रीम कम ट्रू यार, मैंने सिर्फ सोचा था गोल्डन। That's it for today video guys. If you really like this video, don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. See you guys in my next video. Till then, bye.